तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। गलती हो या नहीं हो गाली खानी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के उस वीडियो ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी में दरार की चर्चा को हवा दे दी है, जिसमें वह शिवपुरी से एक नेता को टिकट नहीं दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इससे अधिक तवज्जो नहीं देते हुए विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता का रुख अपनाया। बता दें कि वायरल वीडियो में कमलनाथ लोगों के एक समूह से जो पार्टी नेता वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थन बताए जा रहे हैं कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने ये सीट मुद्दा दिग्विजय सिंह और उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह पर छोड़ दिया था। इसके बाद कमलनाथ को लोगों से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कहते हुए सुना जाता है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक रघुवंश इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने पिछोर में 6 बार विधायक रहे पी के सिंह को शिवपुरी के मैदान में उतारा। रघुवंशी का टिकट कटने के बाद उनके समर्थन सोमवार को भोपाल में कमलनाथ के आवास पर एकत्रित हुए। वीडियो में कमलनाथ रघुवंशी के समर्थकों से बात कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और उनके बेटे के बारे में टिप्पणी की। ये वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने के बाद टिकट वितरण को लेकर विपक्ष पार्टियों में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके बाद दिग्विजय ने एक्स पर पोस्ट लिखकर टिकट से वंचित कांग्रेस नेताओं को धैर्यपूर्वक समाधान का आह्वान किया। वहीं मंगलवार को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को 17 नवंबर के चुनाव के लिए राज्य की राजधानी में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान एक साथ देखा गया और उन्होंने वीडियो के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ भाजपा और कांग्रेस के एक्स हैंडल को टैग करते हुए कहा, जब एक परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक खुशी और सामूहिक संघर्ष दोनों होता है। बुद्धि यही कहती है कि बड़ों को धैर्य पूर्वक समाधान निकालना चाहिए। भगवान उन्हीं का साथ देता है जिनके पास बड़ा दिल और कड़ी मेहनत का मेल होता है। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि वह सबसे पहले दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने वाले बयान के बारे में मीडिया से सवाल का जवाब देना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिग्विजय के साथ उनका रिश्ता राजनीतिक से परे होकर पारिवारिक है। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़े। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो, और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन यही सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। वहीं मंगलवार दोपहर को दिग्विजय सिंह ने एक्स पर कहा कि कमलनाथ के साथ उनके पारिवारिक संबंध 1980 से पुराने हैं। उन्होंने दिन में मंच पर उनके और कमलनाथ के बीच हुई बातचीत का वीडियो साझा करते हुए कहा कि हमारे बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दो दोस्तों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे बीच कोई मन मुटाव नहीं है।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना एक कठिन काम रहा है, क्योंकि 200 सीट विधानसभा सीटों के लिए 4000 से अधिक टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उन्होंने कहा, असंतोष होना स्वाभाविक है क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि वो चुनाव जीत सकता है। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।